हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। फाइन, सो कल के लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था सरफेस केमिस्ट्री तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एंड जिसमें फर्स्ट हिस्सा हमने स्टार्ट किया था, दैट इज एड्सॉर्प्शन। फाइन, सो आई होप एड्सॉर्प्शन आपको डेफिनेशन वाइज क्लियर होगा कि किसी भी पार्टिकल का, यानी कि एड्सॉर्बेंट पार्टिकल का एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके लग जाना इज एक्चुअली में एड्सॉर्प्शन। फाइन, इट्स अ सरफेस फिनोमेना। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की, एंड कल हमने इतना तो पढ़ लिया था कि दो तरीके के एड्सॉर्प्शन होते हैं, दैट इज वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इनके डिफरेंस। फाइन, सो बेसिकली डिफरेंस में ही काफी कहानी क्लियर हो जाएगी। वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज केमिकल adsorption, and here I have the property on which we are gonna distinguish these two different type of adsorptions। पर सबसे पहले कि हम इसको distinguish करें, हम ये तो समझ लें कि physical adsorption होता क्या है। तो physical adsorption basically सबसे पहले हम physical adsorption में डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं, यानी कि दोनों की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज द एड्सॉर्प्शन इन विच एड्सॉर्बेट particles are held to the surface of adsorbent by van der Waal forces। यानी कि बड़ा सिंपल सा मुद्दा है यार कि किसी भी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल का जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक फिजिकल फोर्सेस से लगा होता है, जो वैन डर वाल फोर्सेस है, देखो ये तो कोई केमिकल बॉन्ड तो है नहीं है। फाइन, वैन डर वाल फोर्सेस तो हर जगह पे एग्जिस्टिंग फोर्स है, जहां कोई फोर्स नहीं है वहां वैन डर वाल फोर्स है। यानी कि मैं डेफिनेटली इस कैमरा के क्या कर रहा हूँ, वैन डर वाल फोर्स लगा रहा हूँ। फाइन, इस मार्कर के और मेरे बीच में क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस। इस मार्कर और इस मोबाइल के अंदर भी क्या है, वंडरफुल फोर्सेस। वंडरफुल फोर्सेस तो यार हर जगह है, जहां कोई फोर्स नहीं है वहां क्या है, वंडरफुल फोर्सेस। तो अल्टीमेटली एड्सॉर्प्शन, वो वाला एड्सॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेंट पार्टिकल और सरफेस के बीच में वंडरफुल फोर्सेस हैं, क्लियर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर किसी मेटल सरफेस पे जस्ट हाइड्रोजन आके ऐसे लगा ही है, कोई बॉन्ड नहीं बना यहां पे, हम हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो इन दोनों के बीच में ये जो कह सकता हूं टुगेदरनेस है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू अगर जुड़ा हुआ है तो ये बेसिकली क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है कि इट इज अ एड्सॉर्प्शन इन विच एड्सॉर्बेट आर हेल्ड टू surface by chemical bonds, वहां chemical bond के through लगा हुआ है। जैसे for example oxide formation on the surface of metal, मेटल के सरफेस पे जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है ना, जैसे आप बात करते हैं कोरोजन की, ठीक है ना, सबको पता है कोरोजन रस्टिंग। फाइन, बेसिकली यार आयरन है एंड इसके सरफेस पे जब ऑक्सीजन आता है तो सरफेस पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, Fe2O3 की। सरफेस पे कौन सी फॉर्मेशन हो जाती है, Fe2O3 की। यानी कि बेसिकली रस्टेड
आयरन का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली वो चीज क्या है, Fe के ऊपर जो O अब लग गया है और ऑक्साइड का लेयर बन गया है, वो बेसिकली क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन है। फाइन, व्हेन द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, इस केमिसॉर्प्शन यानी कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। फाइन, एंड दिस इज नोन एज फिजिसॉर्प्शन। क्लियर, इनके एक एक और नाम है। फिजीज ऑप्शन इज व्हेन द एड्सॉर्बेड पार्टिकल्स आर हेल्ड टू द सरफेस थ्रू वंडरवॉल फोर्सेस, एंड यहां क्या है, थ्रू द केमिकल बॉन्ड्स। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला मुद्दा तो डेफिनेशन मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड अगर डेफिनेशन क्लियर है, देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नेचर। तो डेफिनेटली इसका नेचर क्या हुआ, वीक, एंड इसका नेचर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहां पे एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो अल्टीमेटली ये जो एड्सॉर्प्शन है ये काफी ज्यादा वीक एड्सॉर्प्शन है, इतना पक्का एड्सॉर्प्शन नहीं है, ठीक है ना। जबकि ये वाला एड्सॉर्प्शन एक काफी स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है। क्यों यार, खुद सोच के देखो, ये तो जब इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं है तो इसको हटाया जा सकता है, जबकि यहां तो ऑक्साइड का पूरा लेयर बन गया, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो भाई केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया है, अब आपको उसको हटाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो 10-11 पॉइंट्स करने हैं हमें, लिखते जाइए। बेसिकली दो पॉइंट हो गए हैं, द वेरी फर्स्ट इज डेफिनेशन, दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस से जो जुड़ा हुआ एड्सॉर्प्शन है वो बेसिकली फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड एक्चुअल में जिसमें केमिकल बॉन्ड बनता है दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। एंड इसमें हमने देख लिया है कि यहाँ वीक एड्सॉर्प्शन है, ये स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है, कोई भी दिक्कत? मूव टू द थर्ड पॉइंट। सो दो पॉइंट हो गए हैं, अपने दिमाग में डेफिनेशन जरूर रखना कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट हम डेफिनेशन से ही समझेंगे। द थर्ड पॉइंट इज इनथैलपी ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो कल हमने बात करी थी इनथैलपी ऑफ एड्सॉर्प्शन की। इनथैलपी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि जब एड्सॉर्प्शन होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी। फाइन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, द हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट। तो कितनी हीट रिलीज होगी यार, अभी अभी हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये बात पढ़ी है कि ये कोई ज्यादा तगड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन तो नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी, ठीक है ना। एंड तकरीबन तकरीबन अगर मैं अंदाजा बताऊं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो दिस इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी हीट रिलीज होगी अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो जनरली, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन एक काफी हाई है, क्योंकि देखो केमिकल बॉन्ड बनेगा, ज्यादा हीट रिलीज होगी क्योंकि बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन है, तो यहाँ पे जनरली 80 to 240 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। कोई दिक्कत? क्लियर, मूव करते हैं थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे। तीन पॉइंट हमारे हो चुके हैं, द वेरी फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड वन इज नेचर, थर्ड वन इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज रिवर्सिबिलिटी। यस, आप खुद सोचिए, देखो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है यार, जब इसका बॉन्ड इतना ज्यादा वीक है, वंडरवॉल फोर्सेस हैं इतनी ज्यादा वीक है, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, लगाना और हटाना दोनों ही आसान है इसमें, ठीक है ना। यानी कि दिस वन इज रिवर्सिबल। जब भी आप खुद सोच के देखो, यहां पे हमने एग्जांपल कौन सी दिया यार, बड़ी कूल एग्जांपल है जंग लगने वाली, बहुत ही ज्यादा कूल एग्जांपल लिया हमने जंग लगने वाली। आपको लगता है कि वो ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा, है आपको वापिस ऐसे ही आयरन मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब पागल है वो लोग जो आयरन को करोजन होने से बचाते हैं, अगर ये अपने आप वापिस आयरन बन जाएगा तो।
डेफिनेटली ये क्या है, एक नॉट रिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि अगर एक बार ऑक्साइड बन गया तो फिर वापस से उसे बनाना क्या है, मुश्किल. डेफिनेटली तो ये अल्टीमेटली क्या है, नॉट रिवर्सिबल. फाइन, ये रिवर्सिबल नहीं है. क्लियर? कोई दिक्कत? पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्पेसिफिसिटी. फाइन, स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. यस, सोचने की बात है. फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्या ये स्पेसिफिक है? मतलब क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि इसके ऊपर यही चीज लग सकती है? नहीं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. क्यों? क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होने हैं वॉन डर वॉल अट्रैक्शन, एंड वॉन डर वॉल अट्रैक्शन तो हर कोई हर किसी के साथ कर सकता है. तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है कि भाई देखो मैं ये वाला मेटल हूं और मेरे ऊपर तो सिर्फ हाइड्रोजन ही एड्सॉर्ब हो सकता है, मेरे ऊपर तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एड्सॉर्ब हो सकता है. ऐसा तो कोई फंडा नहीं है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो एटलीस्ट नहीं है. तो दिस इज बेसिकली नॉट स्पेसिफिक. तो अगर ये स्पेसिफिक नहीं है तो ये क्या करता है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो जी पहले आके लग जाएगी उसको रख लेगा. फाइन, कोई स्पेसिफिक नहीं है. इसको मैंने इस बड़े बढ़िया तरीके से बताता हूँ. मान के चलिए कि यार एक फंक्शन है एंड उसमें नॉर्मली लोगों के लिए चेयर्स लगी हुई है, ठीक है ना. जो फर्स्ट लाइन है वो चीफ गेस्ट के लिए लगी हुई है. फर्स्ट लाइन जो है वो चीफ गेस्ट के लिए लगी हुई है, उसके बाद सेकंड से लेके 10th लाइन तक सारी कॉमन है, कोई बंदा आगे बैठ सकता है. बड़ी सिंपल सी बात है. अब जो सिंपल लोग हैं, जो आम लोगों ने आना है, जो आम जनता है, उसको जो आना है, उसके लिए सेकंड से 10th लाइन में एक तरीके से फिजिकल एड्सॉर्प्शन है. उनको आगे बैठना है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है. वो जो पहले आ जाएगा सेकंड लाइन में बैठ जाएगा, वो जो बाद में आएगा वो 10th लाइन में बैठेगा, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, इजंट इट? पर चीफ गेस्ट तो चाहे पहले आ जाए चाहे आ जाए बाद में, पहले तो क्यों आएगा बाद में ही आएगा. चीफ गेस्ट चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में, उसकी तो पहली लाइन फिक्स है, इजंट इट? उसकी तो पहली लाइन फिक्स है कि उसको तो उस सोफे वाली सीट में ही बैठना है. तो वो है केमिकल एड्सॉर्प्शन. केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक. अगर देखो ऐसा होता है क्या कि जैसे मतलब कोई निकल मेटल है उसके ऊपर आप हाइड्रोजन एड्सॉर्ब करा रहे हो, ठीक है ना, तो कोई भी मेटल आगे एड्सॉर्ब हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है. या मान लीजिए कि हाइड्रोजिनेशन में इथीन में आप H2 डाल के इथेन बना रहे हो, तो वो H2 की बजाय कोई और भी चलेगा? नहीं. जब केमिकल बॉन्ड बनाना है तो बहुत स्पेसिफिक सी चीज है यार, हर बंदा हर के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता. मैंने यहाँ पे Fe को O के साथ बनाया, Fe2O3. क्या जरूरी है कि मैं कोई और गैस भेजता तो भी Fe रिएक्ट कर जाता? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने आयरन ऑक्साइड बना लिया, मान लिया. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने आयरन ऑक्साइड बना लिया. कोई और गैस भेजता तब भी ये रिएक्ट करके ऐसा कुछ कर देता? मतलब करोजन भी दो चार तरह की होती, कि ऑक्सीजन के साथ ये ऐसी वाली होती है, किसी और गैस के साथ ऐसी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है. इसका मतलब ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक. यार यहां उसको पता है कि मैं इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता हूं, इसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो स्पेसिफिक है. हर कोई हर किसी के साथ नहीं लगता. यहां तो बड़ा सिंपल सा फंडा है. मतलब अगर मैं एक जनरल एंगल में लिखवाऊंगा FYI, ठीक है ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. मतलब ये तो आप मत ही लिखना, ये तो कहीं अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना. इसका मतलब क्या हुआ, विच एड्सॉर्बेट कम्स फर्स्ट विल एड्सॉर्ब फर्स्ट. जो पहले आ जाएगा हम उसको सरफेस पे रख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इजंट इट? जो एड्सॉर्बेट पहले आ जाएगा उसको हम पहले रख लेंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी की बात नहीं है. जबकि यहां केमिकल बॉन्ड बनने हैं, चीजें क्या हैं, स्पेसिफिक. यार ये आ सकता है और ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बन सकता, तो यहां पे चीजें क्या हैं, काफी ज्यादा स्पेसिफिक हैं. कोई दिक्कत? वी आर डन विद 5 पॉइंट्स, लेट्स मूव टू द 6 पॉइंट. 11 पॉइंट्स करने हैं हमें. फाइन, तो अभी भी 6 पॉइंट बाकी हैं. लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6. चलिए 6 पॉइंट पे मूव करते हैं. 6th पॉइंट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट लेयर.
फाइन, यहां है मल्टी लेयर, या नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन भी लिखा जा सकता था, यहां है मोनोलेयर। अब इसका मतलब समझेंगे क्या है। देखिए यहां तो बेसिकली क्या है कि वंडरवॉल फोर्स से ही तो लगना है, तो एक चीज के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर्स बन सकती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज ये बेंच है, ठीक है ना, तो इस, ये इस बेंच के ऊपर हमने रंग कर दिया, तो ये रंग करना पहली लेयर नहीं हो गई? डेफिनेटली एडसॉर्प्शन ही तो है, उसके ऊपर रंग कर देना। कल भी तो हमने करा था चौक के ऊपर इंक, एडसॉर्प्शन ही तो था। तो ये बेंच को हमने रंग कर दिया, ये ब्राउन कलर का रंग किया हुआ, ये बेसिकली क्या है? डेफिनेटली हमारे पास एडसॉर्प्शन है। अब ब्राउन रंग तो है, अब इसके ऊपर मैं एक और ब्लू कोट मार देता हूं, तो क्या होगा? ये एडसॉर्प्शन नहीं है, डेफिनेटली है। बेंच का कलर के साथ कोई बॉन्ड है क्या? डेफिनेटली नहीं है। बेंच का कलर के साथ फिजिकल अट्रैक्शन है, यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस है। तो और ब्राउन कलर का ब्लू कलर के साथ क्या है? उसका तो बहुत गहरा रिश्ता है ना, ऑब्वियसली नहीं। कौन सा है? उनका भी क्या है? डेफिनेटली वंडरवॉल फोर्सेस है। अब मैं सपोज इस ब्लू कलर के ऊपर एक और कोटिंग मार लेता हूँ, रेड कोटिंग मार लेता हूँ, ठीक है ना, फाइन। तो बेसिकली क्या है, अब ये एक लेयर से ऊपर दो, दूसरे के ऊपर तीसरा, यहां तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहली लेयर ये जो सरफेस है इसके साथ फर्स्ट लेयर जो है वो वंडरवॉल फोर्सेस लगा के बनी हुई है, तो सेकंड लेयर फर्स्ट के साथ वंडरवॉल बना लेगी, थर्ड लेयर सेकंड के साथ वंडरवॉल फोर्सेस बना लेगी। जबकि यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब Fe ने Fe ऑक्साइड बना लिया तो ठीक है, अब और ऑक्सीजन आएगा तो क्या? कुछ भी नहीं। ये Fe था, ये Fe2O3 या मान के चलिए कि ऑक्साइड की कोई लेयर बन गई है, FeO बन गया है, ऐसे मान के चलिए। ऊपर तो ऊपर क्या है, Fe का O के साथ यहां आ गया बॉन्ड बना हुआ है, Fe का O के साथ, ये Fe की नीचे लेयर थी, ऊपर O आ गया, FeO का एक लेयर बन गया। ऊपर क्या, अब एक और ऑक्सीजन आया तो क्या होगा? एडसॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। अब अगर इस O का इस FeO के साथ लेयर बना भी हुआ है तो वो तो फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा ना, बॉन्ड तो बना ही। अगले वाले O का FeO के साथ, क्योंकि फाइनल लेयर तो FeO का ही है, जो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो तो FeO ही है ना। अब अगला O FeO के साथ केमिकली थोड़ी जुड़ा हुआ है, केमिकली तो सिर्फ एक ही लेयर बन सकती है, यानी कि यहां बन रही है मोनोलेयर और यहां क्या है? मल्टी लेयर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट या एडसॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? डेफिनेटली करता है, डेफिनेटली डिपेंड्स। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने बात करी, सपोज सपोज एडसॉर्बेंट गैसियस है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है ना, तो विच विल लिक्विफाई फर्स्ट विल एडसॉर्ब फर्स्ट। जो जल्दी लिक्विफाई कर जाएगा, गैसियस के मामले में जो जल्दी लिक्विफाई कर जाएगा वो जल्दी एड्सॉर्ब कर जाएगा। अब कौन जल्दी लिक्विफाई करता है, कौन जल्दी लिक्विफाई करता है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है हम उसको आसानी से लिक्विफाई करा सकते हैं। तो विच विल लिक्विफाई फर्स्ट विल एड्सॉर्ब फर्स्ट। कोई दिक्कत? फाइन। तो हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, विच विल लिक्विफाई फर्स्ट विल एड्सॉर्ब फर्स्ट। एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर की बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करा ना, ये तो कर गया एड्सॉर्बेंट के लिए, क्यों? क्योंकि जो जल्दी आएगा जल्दी एड्सॉर्ब करेगा। एंड एड्सॉर्बेंट के लिए क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सिंपल सी बात है यार, अगर मान लीजिए कि ये मेरे बेंच
का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा एडसॉर्प्शन हो सकेगा, रंग ज्यादा लग सकता है। वो चौक ही ले लो, इतना चौक है कि इससे भी बड़ा चौक है, कब हमारी इंक ज्यादा लगेगी, कब एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड अगर हम यहां पे बात करें, यहां भी डेफिनेटली डिपेंड करता है, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, ठीक है ना। पर कह सकता हूं कोई कोरिलेशन मेरे पास नहीं है जिससे मैं ये बता सकूं, क्यों? बिकॉज इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। कोई जल्दी जल्दी कोरिलेशन नहीं बनाया जा सकता कि जो जल्दी लिक्विड बनेगा वो पहले एड्सॉर्ब होगा, क्यों? क्योंकि ये तो स्पेसिफिक है। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन जल्दी लिक्विफाई कर गया, पर उसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाना। अब मान लो कि ऑक्सीजन के साथ बनाना था, ऑक्सीजन जल्दी लिक्विफाई नहीं किया, तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। इनका कोरिलेशन क्या है? इनका कोरिलेशन है ये कि हम स्पेसिफिक हैं भैया, अगर तुमसे बॉन्ड बनाना होगा तो बना लेंगे, तुम चाहे बाद में आ जाना। यानी कि ये तो चीफ गेस्ट है ना, चाहे तुम बाद में आए, तुम्हारी कुर्सी फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, तो दिस इज स्पेसिफिक, क्योंकि इसको तो बॉन्ड देखना है कि किसके साथ बनेगा। क्लियर, तो डिपेंड तो करता है, डिपेंड किस तरीके से कि हमें किसके साथ बॉन्ड बनाना है, एंड यहां डिपेंड करता है किस तरीके से कि जो जल्दी आ जाएगा। अब जल्दी कौन आएगा? तो जल्दी लिक्विफाई होगा, एंड और किस तरीके से कि अगर ज्यादा सरफेस एरिया, तो यहां भी सही है, सरफेस एरिया वाला पॉइंट तो यहां भी सही है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो केमिकल एडसॉर्प्शन भी ज्यादा ही होगा। क्लियर, सरफेस एरिया इज अ कॉमन फॉर बोथ, फाइन, कोई दिक्कत? सो दिस इज बेसिकली नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट लेयर, एंड देन एडसॉर्बेंट का नेचर एंड एडसॉर्बेंट का नेचर। कोई दिक्कत? मूव टू द पॉइंट नंबर 8, कोई भी दिक्कत? क्लियर, आठवें पॉइंट पे चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर आ गया हमारे पास 8, आठवां पॉइंट है ईज ऑफ डिसॉर्प्शन। अब बातें चल रही थी लगाने की, अब हटाने की आ गई है। भाई डिसॉर्प्शन हटाना कितना आसान है यार, ये तो कुछ ज्यादा तगड़ा तो एडसॉर्प्शन था नहीं, तो इसको हटाना डेफिनेटली क्या है, आसान। तो ये तो ठहरा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि जब इसका बॉन्ड ही इतना तगड़ा नहीं बना तो डेफिनेटली बहुत आसानी से उसे हटाया जा सकता है, जबकि यहां पे क्या है, दिस इज डिफिकल्ट। ईज ऑफ डिसॉर्प्शन यहां पे क्या है, डिफिकल्ट, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पिछले चैप्टर में हम एक्टिवेशन एनर्जी को डील कर गए थे, एंड दोबारा से फिर से हमारे पास आ गया है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो क्या था एक्टिवेशन एनर्जी, जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो तो थ्रेशोल्ड था, तो वो जो मिलती है अलग से उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हर एक को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। अब अगर एडसॉर्प्शन होना है तो उस प्रोसेस को होने के लिए भी एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, तो वो एनर्जी बैरियर फिजिकल एडसॉर्प्शन में, तो यार जब ये प्रोसेस ही इतना मुश्किल नहीं है तो डेफिनेटली इसका बैरियर भी ज्यादा लंबा नहीं है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या है, कम है, तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइन, जबकि यहां हाई, फाइन, बिकॉज यहां पे बॉन्ड बनाने हैं यार। एडसॉर्प्शन को पूरे का पूरा एक केमिकल एडसॉर्प्शन को तो केमिकल रिएक्शन मान के चलो, पूरे का पूरा बॉन्ड बनाना भाई एक केमिकल रिएक्शन होना है, तो उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, यस वी नीड द एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन में सिर्फ रखना ही तो था, तो डेफिनेटली हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, कोई भी दिक्कत? फाइन, पॉइंट नंबर 10 पे आ गए हैं क्या? Yes, 10 पे आ गए, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 10 इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे यार, कल अपने बात करी थी एडसॉर्प्शन क्या है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन क्या था, चलिए ये तो मैं लिख लेता हूँ कि ये बेसिकली क्या था, एक्सो, तो ये भी तो एक्सो ही है। हमने तो एडसॉर्प्शन की बात करी थी, दोनों ही एक्सो हैं। चलो तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए भाई, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। किसने बोला, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिसफेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो हमारा एडसॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा। आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। गर्मी का मौसम है, बड़ा जबरदस्त गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। आप सब लोग एक्टिवा पे आए हुए हो यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे आके ये लोहे के बेंच पे बैठ गए हो, आयरन के बने हुए बेंच पे बैठ गए हो। अगर इस बेंच को गर्मी लगती, यानी कि गर्मी लगती का मतलब सीधा धूप में बैठा होता, अब आपका एक्टिवा की सीट पे बैठना या आपका बेंच पे बैठना एक फिजिकल एडसॉर्प्शन है, मानते हैं ये बात। आपका बेंच पे बैठना एक फिजिकल एडसॉर्प्शन है, एंड टेम्परेचर ऑफ द एक्टिवा सीट या टेम्परेचर ऑफ द बेंच हैज बीन इंक्रीज। तो आप बताइए बैठना आसान है या मुश्किल। अब आप खुद समझदार हो यार कि आप आसानी से बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। मैं तो नहीं बैठ सकता। अगर सीट बहुत गर्म है या टेम्परेचर ऑफ द बेंच बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली नहीं बैठा जा सकता। तो एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कोई दिक्कत, फाइन। काफी अजीबोगरीब एग्जांपल है बट लाइक कूल, समझ आ गया है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्यों, ये तो हम सिंपली ली चैटलियर से लिख के आ सकते हैं रीजन बनाने के लिए। If we want to write it technically, it's like Lee Chatelier principle favors, कि अगर increase in temperature है तो वो इंडो को फेवर करेगा, एक्सो को फेवर नहीं करेगा। कोई भी दिक्कत। और वैसे भी ये जो एडसॉर्प्शन है, ये रिलीज ऑफ एनर्जी, अगर आपने एनर्जी दे दी तो फिर तो कैसे फेवर होगा, डेफिनेटली फेवर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे ये फर्स्टली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फर्स्टली तो इंक्रीजेस, ये मैं कह सकता हूँ एडसॉर्प्शन चल रहा है मेरा, ये एडसॉर्प्शन है, यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो यहाँ एक बार बढ़ता है फिर कम होता है, जबकि यहाँ कम हो रहा है। अब कई बार सोचने की बात आती है, सर है तो ये भी एक्सोथर्मिक, तो फिर इसमें एक बार बढ़ के क्यों कम हो गया। तो बड़ा सिंपल सी बात है, एक बात समझिए यहाँ पे, मैंने इसीलिए इसे 9th पॉइंट के साथ पढ़ाया। एक्टिवेशन एनर्जी, देखो शुरू में इस टाइम पे पता है क्या होता है, ये वाले पार्ट पे जब ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर गिवन इज टेकन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो आप शुरू में टेम्परेचर दे रहे हो ना, वो उसे एक्टिवेशन एनर्जी की तरह ले रहा है, क्योंकि हर प्रोसेस होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, मतलब अल्टीमेटली वो जो आपने इसे यहां पे टेम्परेचर दिया है, इसने इसे एक्टिवेशन एनर्जी की तरह ले लिया है। एंड वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डन, तो ये डिक्रीज ही होना है। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डन, दोबारा सुन लिए, जब तक तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, तो वो जो आपने टेम्परेचर दिया, मैंने मान लिया कि भाई मेरे को आप एक्टिवेशन दे रहे हो, तो मैंने उसको इस तरीके से मान लिया। अब जब मेरी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, तब अल्टीमेटली से गिरना ही है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। वो तो गिरने का तो रीजन पता है, गिरने का रीजन सेम है, गिरने का रीजन वहां भी सेम ही है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेवर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली द एब्जॉर्प्शन शुड डिक्रीज। वो सारा सेम ही है। इज दैट थिंग क्लियर। ये जो शुरू में बढ़ गया, इसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर इनिशियली गिवन इज टेकन एस एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए मैंने 9th पॉइंट के साथ बनाया। इसको तो चाहिए नहीं थी, इसलिए इसका तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, पर इसको एक्टिवेशन चाहिए थी। तो ये जो शुरू शुरू में हमने टेम्परेचर दिया, इसने इसे एक्टिवेशन की तरह ले लिया। कोई दिक्कत, क्लियर। देन मूव टू द पॉइंट नंबर 11, मैं यही बना देता हूँ। पॉइंट नंबर 11, दैट इज
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो डेफिनेटली इंक्रीजेस, क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप एड्सॉर्बेंट पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो ज्यादा उसके टच में आएगी। भाई अब मैं इसी की एग्जांपल दूं, अब आप लोग थे भाई 10-15 जिनको बेंच पे बिठाना, आपका बेंच पे बैठना एक एड्सॉर्प्शन है, तो जब तक तो मैं क्लास में नहीं हूँ तब तक तो आप दिखोगे नहीं यहाँ पे, कोई इधर फिर रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जगह से हिला हुआ है। अब जैसे ही मैं आया, अब भाई मेरा क्या एक प्रेशर है, फाइन है कि नहीं है? अब मेरा एक प्रेशर है, बेसिकली आप सब लोग उस प्रेशर के मारे में, उस डर के कारण सब लोग बेंचों पे क्या हो जाओगे, बैठ जाओगे, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो गया? यार सिंपल सी बात लगा के देखिए, गैस को उसके ऊपर हमने बेसिकली क्या कराना था, लिक्विफाई कराना था, तो हमने जितना ज्यादा प्रेशर डाला, वो उतना ज्यादा आसानी से लिक्विफाई हो, उतना ज्यादा वो एड्सॉर्प्शन हो गया ना, हो तो गया, तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, इंक्रीजेस करने पे एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजेस इफ प्रेशर इंक्रीजेस, कोई दिक्कत? एंड यहां तो एक लेयर के बाद मल्टी लेयर बन सकती है, कोई दिक्कत? एंड यहां भी इंक्रीजेस ही आएगा, ठीक है ना? एंड देन फिर कह सकता हूं रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होल सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाता है, होल सरफेस एरिया इज एड्सॉर्ब्ड। या जब पूरा सरफेस एरिया खत्म होगा तो उसके बाद तो तुम क्या घंटा एड्सॉर्प्शन करा लोगे, जबकि यहां पे तो ऐसा है ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेयर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइन, कोई भी दिक्कत। अब ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, बेसिकली वैसे हम इसको अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा डील करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो आप ये भी मान सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा खुल के एक्सप्लेन होने वाला रहता है, ये सारी चीजें एक बार दोबारा से क्लियर हो जाएंगी। वैसे सिंपल इतना तो पता चली गया कि ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा ही होगा, अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो वहीं टिक के बैठेगा, कोई भी दिक्कत, क्लियर? सो वी आर डन विद द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, कोई भी दिक्कत, क्लियर? सो इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन पिंग मी अप, टिल देन पढ़ते रहिए, दबाते रहिए, कोई भी दिक्कत। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।